नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं परीक्षा 18 अप्रैल, विज्ञापन 25 को। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, प्रधानाध्यापक के 2 सहायक अध्यापक के 1 प्रश्न पत्र की परीक्षा। तो बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है इस शिक्षक भर्ती में। प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा होगी उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे एवं सहायक अध्यापक परीक्षा में सिर्फ 1 ही प्रश्न पत्र होगा। भाषा विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय में देना होगा विकल्प। दोनों पदों पर चयन के लिए भाषा विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को इन 4 विकल्पों में से 1 चुनना होगा। भाषा में भी संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना होगा। दूसरा प्रश्न पत्र सिर्फ प्रधानाध्यापक के लिए होगा। शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन से संबंधित 50 प्रश्नों का होगा। परीक्षा 1 घंटे की होगी। कटाप पर यहाँ पर देख लीजिए, भर्ती परीक्षा का उत्तीर्ण अंक तय है। सामान्य वर्ग की कटाप 65 व आरक्षित वर्ग की कटाप 60% रहेगा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती व सेवा नियमावली 1978 सातवां संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। और यहाँ पर पूरी समय सारणी दी गई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ञापन 25 फरवरी को आ रहा है और ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण 3 मार्च से, पंजीकरण की अंतिम तारीख 17 मार्च, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 18 मार्च, आवेदन पूरा करके प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 19 मार्च, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 25 मार्च, परीक्षा का प्रवेश पत्र 9 अप्रैल को और लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को कराई जाएगी। यहाँ पर इसके बाद विश्वविद्यालय भी बन सकेंगे परीक्षा केंद्र। तो अब की बार ये जो जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा है इसमें विश्वविद्यालय भी परीक्षा केंद्र बनेंगे ताकि नकल पर एवं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ सभी भर्ती परीक्षाओं को कराने के लिए कटिबद्ध है। इस प्रकार से ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि भर्ती में किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा ना हो और बड़ी ही ईमानदारी एवं पारदर्शिता से भर्ती को पूरा किया जा सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य। प्रधानाध्यापक के लिए सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न पत्र 2 पदों के लिए अनिवार्य है। इसमें 2 खंड होंगे, पहले में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान व दूसरे खंड में संबंधित विषय के 100 प्रश्न होंगे। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहेंगे उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा दी जाएगी। वहीं दोनों का परीक्षा शुल्क अलग अलग देना होगा। OMR पर होंगे बहुविकल्पी प्रश्न। भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, इम्तिहान OMR से कराया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अब 18 अप्रैल को होगी। शासन ने समय सारणी के साथ ही कई अहम बदलाव किए हैं। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों की लिखित परीक्षा अब एक साथ कराई जाएगी। सहायक अध्यापक के लिए 1 प्रश्न पत्र व प्रधानाध्यापक पद के लिए अभ्यर्थियों को 2 प्रश्न पत्रों का इम्तिहान देना होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञापन 25 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा जबकि ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से शुरू कर दिए जाएंगे। इसके बाद तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की जो जूनियर
हाई स्कूल की परीक्षा है ये अतिशीघ्र करा ली जाएगी। जिस हिसाब से टाइम टेबल जारी हुआ है अगर इस प्रकार से कार्य भी होता रहा तो अतिशीघ्र नौकरी मिल जाएगी और बहुत ही जल्दी विज्ञापन पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है CGLE 2019 टीयर 2 में 43,896 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 टीयर 2 का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें टीयर 3 के लिए 43,896 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। SSP ने देश के विभिन्न शहरों व परीक्षा केंद्रों पर 15 से 18 नवंबर 2020 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित किया था, जबकि टीयर 3 की परीक्षा 22 नवंबर 2020 को कराई गई थी, लेकिन उनकी कॉपियों का मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है। टीयर 2 में जिन अभ्यर्थियों को सफलता मिली है उनकी टीयर 3 की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। CTET 2021 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है और वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही है और क्या पोजीशन रही है आपकी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की उत्तर कुंजी आखिरकार जारी हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर यह 21 फरवरी की शाम 5 बजे तक रहेगी। अभ्यर्थी यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब से सहमत नहीं है तो वे इसी समय सीमा में प्रत्यावेदन दे सकते हैं। CBSE ने CTET 2021 की परीक्षा 31 जनवरी को देश भर में कराई थी। OMR आधारित परीक्षा की उत्तर कुंजी पहले इम्तिहान के चंद दिन बाद ही जारी होती रही है, लेकिन इस बार 19 दिन लग गए हैं। तो दोस्तों CTET की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं और रिजल्ट यदि जल्दी आ जाता है तो आपको भी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल जाएगा। आज JEE नीट की भी चलेगी कोचिंग कक्षाएं। अभ्युदय योजना के तहत शनिवार को GGIC में JEE और नीट के लिए भी कोचिंग कक्षाएं चलेंगी। इसके लिए 117 बच्चों की लिस्ट आ गई है, इनकी कक्षाएं सुबह चलेंगी। इनके लिए शिक्षकों का पैनल भी तय हो गया है। वहीं सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों की कक्षाएं सोमवार से GIC के हॉल में चलेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है TGT 2016 हिंदी व कला में 1276 सफल। हिंदी एवं कला विषय का परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा TGT 2016 हिंदी व कला में 1276 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2016 हिंदी व कला विषय का अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया है। दोनों विषयों में कुल 1276 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, लेकिन मेरिट में कुल रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थी पैनल में रखे गए हैं ताकि चयनित के कार्यभार ग्रहण न करने पर उन पदों को आसानी से भरा जा सके। चयनितों को संस्था का आवंटन बाद में किया जाएगा। चयन बोर्ड ने एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए TGT 2016 की लिखित परीक्षा 8 व 9 मार्च 2019 को कराई थी। हिंदी विषय में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 10 नवंबर से 16 दिसंबर 2020 तक व कला विषय का 23 सितंबर से 22 अक्टूबर 2020 तक कराया गया था। उप सचिव नवल किशोर ने बताया है कि चयन बोर्ड की नियमावली 1998 के नियम 12 के तहत हिंदी व कला विषय का पैनल मेरिट सूची व कटऑफ अंक जारी कर दिया है। इनमें हिंदी TGT बालक वर्ग में 1148 और बालिका में 95, बालक कला बालिका वर्ग में 33 अभ्यर्थी शामिल है। उप सचिव ने बताया कि घोषित पैनल में जिन अभ्यर्थियों के समक्ष आरक्षित व अनारक्षित श्रेणी अंकित नहीं है उनकी संख्या रिक्तियों से अधिक है। इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को बोर्ड संस्था आवंटन नहीं करेगा। आवंटित संस्था में यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तो DIOS पैनल के अन्य अभ्यर्थियों को अवसर देंगे। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश द्वारा कई प्रकार के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं और लगभग 2016 का विज्ञापन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अभ्यर्थियों को नौकरी दी जा चुकी है। किंतु सामाजिक विज्ञान विषय के साक्षात्कार की बात करें तो अभी कोर्ट में डेट के ऊपर डेट लग रही है, अभी तक कोई भी परिणाम निकल करके सामने नहीं आया है। 18 फरवरी को डेट लगी थी और इसके बाद 19 को लगी और इसके बाद अब 4 मार्च को डेट तय कर दी गई है। अब 4 मार्च को यदि हरी झंडी मिलती है तो कम से कम 21 दिन का डिस्टेंस साक्षात्कार की तैयारी के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से मार्च में आपका साक्षात्कार नहीं होगा, अप्रैल में
टीजीटी सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार शुरू किए जा सकते हैं। भौतिकी अर्थशास्त्र व मनोविज्ञान विषय के 48 प्रवक्ता चयनित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को प्रवक्ता के 48 पदों का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 45 पद डिग्री कॉलेज व 3 पद इंटर कॉलेजों के हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता भौतिकी के 45 पदों का परिणाम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती के तहत आवेदन लिया गया था, जबकि साक्षात्कार 9 व 11 फरवरी को हुआ था। इसके बाद अगली खबर है, एक अभ्यर्थी वापसी के लिए 26 फरवरी तक मौका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन वापस लेने का मौका दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि प्रार्थना पत्र में अभ्यर्थी निरस्तीकरण के संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख करना होगा। जिन अभ्यर्थियों का किसी अन्य पद पर चयन हो गया है और वे आरओ एआरओ का पदभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें अभ्यर्थन वापस करने के लिए प्रार्थना पत्र देने को कहा गया है और ये ईमेल आईडी भी दी गई है। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। यदि आप उस पद पर चयन नहीं लेना चाहते हैं, आपका चयन अन्य ऊंचे पदों पर हो गया है, तो आपको एप्लीकेशन जरूर देना चाहिए ताकि और भी लोगों को मौका मिल सके। मुक्त विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश के लिए इंटरव्यू 8 मार्च से। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटरव्यू 8 मार्च से 10 मार्च के बीच चलेगा। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह की सहमति के बाद यह कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इंटरव्यू के लिए सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। कंप्यूटर विज्ञान 10 मार्च, कृषि व्यवसाय प्रबंधन 8 मार्च, न्यूट्रिशन फूड एंड डाइटेटिक्स 9 मार्च, पत्रकारिता एवं जनसंचार 8 मार्च। इस प्रकार से आपको जो है वेबसाइट पर जाकर देख लेना है और पीएचडी की साक्षात्कार की सभी महत्वपूर्ण तिथियां घोषित कर दी गई है। एसएससी के आधे पदों पर दिल्ली के छात्रों का कब्जा। एसएससी की परीक्षाओं में मध्य क्षेत्र के उम्मीदवारों की अधिक दावेदारी के बाद भी कम हुआ चयन। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कम दावेदारी करके एसएससी उत्तरी क्षेत्र के परीक्षार्थी चयन के मामले में अव्वल है। अधिक दावेदारी के बाद भी यूपी बिहार के प्रतियोगी चयन के मामले में फिसड्डी रहे हैं। इसके बाद अगली खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2016 के मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं एवं अब आरओ एआरओ की परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हों, वे अपना अभ्यर्थन निरस्त करने हेतु अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग की ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, पर दिनांक 28/2/2021 तक अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं ताकि आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, जिससे अन्य लोगों को अवसर मिल सके। अब देश में ही रहकर छात्र ले सकेंगे विदेशी डिग्रियां। छात्रों को पलायन रोकने के लिए यूजीसी ने तैयार किया मसौदा। भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान साथ चला सकेंगे कोर्स। उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी, वे देश में ही रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े कोर्सों की भी पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीयों और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नए रेगुलेशन को मसौदा तैयार किया है। इसके तहत देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान अब विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों से मिलकर संयुक्त या फिर दोहरे कोर्स आदि शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से अभी तक ऐसे छात्रों को जो विदेश में पढ़ना चाहते थे उनको विदेश में पलायन करना पड़ता था और अनेकों प्रकार की समस्याएं भी वहां पर होती थी। तो इस प्रकार से अब ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से आप भारत में रहकर ही विदेशों की डिग्री ले सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, टीजीटी हिंदी के 1243, कला के 33 पदों का परिणाम जारी। सीटेट 2021 की आंसर की जारी कर दी गई है और यहाँ पर वेबसाइट दी गई है ctet.nic.in पर जाकर के आप इसको 21 फरवरी तक देख सकते हैं। पहले 13 लंबित परीक्षाओं के परिणाम, फिर होगी 50,000 पदों के लिए भर्ती। यूपी ट्रिपल एससी जल्द ही रिक्त पदों को भरने के लिए कराएगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा।
प्रमुख विभागों में यहाँ रिक्तियों का विवरण दिया गया है। परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 पद खाली हैं, राजस्व लेखपाल के 7842 पद खाली हैं, कृषि प्रावधिक संचार के 1817 पद खाली हैं, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1133 पद, सहायक लेखाकार के 10068 पद, गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में प्रयोगशाला प्रावधिक के 700 पद, वन विभाग में वन रक्षक के 694 पद, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में अनुदेशक के 622 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे प्रावधिक के 456 पद खाली है और इन पर अतिशीघ्र भर्ती कराई जाएगी। लेकिन पहले जो पुरानी भर्तियां चल रही हैं उनका परिणाम घोषित करके उनको नौकरी प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात 50,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले 13 लंबित भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी करने की कार्यवाही करेगा। इसके बाद करीब 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल विभागों से आ रहे भर्ती प्रस्तावों की खामियां दुरुस्त करने की कार्यवाही की जा रही है और राजस्व सहायक के 1,500 पद पर भर्ती शीघ्र। राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी का कहना है कि विभाग में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से राजस्व सहायकों की 1,500 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र की जाएगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं लगातार बोर्ड के अध्यक्ष से संपर्क किया जा रहा है। जल्द ही परीक्षा के माध्यम से राज्य स्तर पर चयन कर बोर्ड राजस्व सहायकों की भर्ती कर चयन सूची उपलब्ध कराएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के जरिए भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद आयोग सरकारी विभागों में रिक्त तकरीबन 50,000 पदों पर भर्तियों में तेजी आएगी और 50,000 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और ये 50,000 विभिन्न विभागों से संबंधित भर्ती होगी। भारत में ही ले सकेंगे विदेशी डिग्री। 2021-22 सत्र से दोहरी और ज्वाइंट डिग्री व ट्रेनिंग प्रोग्राम में पढ़ाई का मौका। भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालय में सहयोग के नियमन का मसौदा राज्यों और विश्वविद्यालयों को भेजा गया है, तो ये छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। बहुत ही खुशी की बात है कि आप भारत में रह करके विदेशों की मनवांछित डिग्री आप ले सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, CGL 2019 टीयर 2 43,896 परीक्षार्थी सफल। प्रवक्ता भौतिकी के 45 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2016-17 उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रवक्ता भौतिकी के लिए विज्ञापित 45 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। अभ्युदय जेईई नीट की आज से चलेगी कोचिंग। सिविल सेवा के लिए 1,000, जेईई नीट के लिए 117 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। GIC के हाल में चलेगी कक्षाएं। इसके बाद पड़ोस के सबसे अधिक अंक सीट दिलाने में करेंगे मदद। दिल्ली के 1700 निजी स्कूलों में करीब 2,00,000 सीटों पर नर्सरी दाखिले की दौड़ में नेबरहुड के सबसे अधिक अंक सीट दिलाने में मदद करेंगे। दरअसल नर्सरी दाखिले के लिए तय नियमों के तहत स्कूल एक फार्मूला बनाते हैं। इसके आधार पर अलग अलग अंक निर्धारित होते हैं। निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए शिवलिंग के चलते भी मेरिट में नाम आने की संभावना। नासा का मंगल गान, जीवन की तलाश में लाल ग्रह पहुंचा रोवर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और अमेरिका जो है, यहां पर आप देख रहे हैं ये नासा की खबर है और नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और सफल लैंडिंग आधुनिक कैमरों लेजर रोबोटिक आर्म की होगी अहम भूमिका और 2030 तक पृथ्वी पर सैंपल आने की संभावना। तो दोस्तों अमेरिका द्वारा अभियान अपना भेजा जा रहा है और इससे बहुत सारी जानकारी निकलेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।